वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेजेंटेशन में जहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि वट इज जैनिक जैनिक बेसिकली है क्या क्या ये मार्केट के अंदर एक नया एवोल्यूशन प्रेजेंट करेगा या मार्केट के अंदर रियल में कुछ अच्छा चेंज लाने वाला है इस मैटर पे हम बात करने वाले हैं तो बेसिकली ये बात स्टार्ट होती है कि रियली वट इज़ जैनिक इज तो अगर हम बात करें तो जैनिक है का कहाँ से स्टार्ट होता है कैसे आपको लोगों को इसके बारे में बताता है क्या क्या यूटिलिटीज़ आने वाली हैं जैनिक की ये सारी डिटेल्स में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर मैं जैनिक के बारे में बात करूँ तो जैनिक बेसिकली एक ब्लॉक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका खुद का ब्लॉक है इसका ब्लॉक चेन दो लेयर का है जो मेन चेन है वो आपका जैनिक मेन चेन के नाम से जाना जाता है और जो इसका सेकेंड लेयर है वो इसका स्मार्ट चेन है जो कि नाइन्थ ऑफ अगर आप बात करेंगे नाइन्थ इन द वर्ल्ड है नाइन्थ स्मार्ट चेन इन द वर्ल्ड है और थर्ड ऑफ जून को लाइव हो चुका है इसके ऊपर कोडिंग्स प्रोग्रामिंग्स चालू हैं अब जैनिक स्मार्ट चेन का पहला कॉन्सेप्ट पहला प्रोजेक्ट जो माइग्रेट होके हमें मिलने वाला है वो टूपान और एविनॉक है जो आने वाले इस वीक को ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को उसकी अनाउंसमेंट है मंडे को कि आप तूफान कैसे पुराने ब्लॉकचेन से जैनिक स्मार्ट चेन पे माइग्रेट हो रहा है क्यों हो रहा है आपको ये सारा लाइव कास्ट आप देख सकते हैं ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को पूरा लाइव होने जा रहा है और ये आपको वहां पर सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने को मिलेगी तो बेसिकली जैनिक की अगर मैं बात करूँ तो जैनिक अभी तीन फॉर्मेट में अवेलेबल है आपके पास जैनिक आपके पास यूनिस्वैप पे अवेलेबल है जो बेसिकली एक ई आर सी ट्वेंटी टोकन के फॉर्मेट में है सेम आपका बी एस सी बैनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर पैनकेक स्वैप के ऊपर अवेलेबल है रियल जैनिक कॉइन है जो वो आपका ला टोकन पे अवेलेबल है आप उसको वहाँ से ट्रेड इन कर सकते हैं ट्रेड आउट कर सकते हैं सबके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर दिए गए हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है जो आप इस पेज पे न्यूज़ देख रहे हैं नोन फ्रॉम ये न्यूज़ हाउसेज़ हैं अरेबियन बिजनेस गल्फ़ टूडे अनलॉक क्रिप्टो न्यूज़ बी टी सी मियाँ फाइनेंस लॉजिस्टिक गल्फ़ क्रिप्टो वॉइस ये बहुत सारे न्यूज़ हाउसेज़ हैं इन्होंने जैनिक को हाथों हाथ लिया था या जैनिक की न्यूज़ को पब्लिस किया था जिस दिन पार्टनरशिप हुई थी विद द दुबई गवर्नमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन और आप ये चीज़ बाकायदा सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर डाल के आप यहाँ पर डालेंगे टोकनाइजेशन इन दुबई आप जैसे ही डालेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी जैनिक टोकनाइजेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्लास्टर्स यूएगी जैनिक लॉन्चेस ब्लॉक चेन टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म इन दुबई जैनिक लॉन्चेस टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म लिंकड इन बहुत सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी हम फर्स्ट वाला खोलते हैं जैनिक टोकनाइजेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्लास्टर्स UAE. अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली जिस ने ये न्यूज़ को पब्लिश किया है वो एंड्रियम बेनिटो है जो बेसिकली मिडल ईस्ट एडिटर हैं और इन्होंने इसकी एनालिसिस करी थी कि जेनिक टोकनाइजेशन अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूए की ब्लॉकचेन चेन का एक मेन पिलर है अगर आप बात करेंगे तो यूए बेस्ड जेनिक है लॉन्च अ ब्लॉक चेन बेस्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनेबल द स्पीडी एंड सिक्योर ट्रेडिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एसेट्स मतलब आपकी फिजिकल एसेट्स रियल वर्ल्ड से आपको टोकनाइज करके आपको ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल होगी तो अगर आप बात करते हैं तो आज की डेट में लीडर्स हैं यू ए फ्यूल्स ब्लॉक चेन डेवलपमेंट जैनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज इथेरियम अगर मैं बात करूं तो जैनिक न्यूज प्लेटफॉर्म इज डाइन टू एनेबल द क्रिएशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स इट विल सपोर्ट डिफरेंट यूज केसेस जैनिक वॉन्ट टू टोकनाइज अप टू अपनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ फिजिकल एसेट्स विद द एस्टैबलिशमेंट ऑफ नॉन फर्जिबल टोकन्स प्लेटफॉर्म फॉर नॉट ओनली रियल इस्टेट बट ऑल्सो गोल्ड प्रीशियस मटेरियल्स जेमस्टोन्स एंड डिजिटल आर्ट तो ऐसा नहीं है कि टोकनाइजेशन केवल आपको रियल इस्टेट्स का देखने को मिलेगा आपके इसमें प्रीशियस मटेरियल्स जैसे आप बात करेंगे गोल्ड सिल्वर टिटेनियम प्लेटिनियम जैम स्टोन डिजिटल आर ऑल आर गोइंग टू बी ऑन द जैनिक ब्लॉक चेन फॉर द ट्रेडिंग मंथ ये आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको पता है दिस इज दट जो यूटिलिटी जैनिक यहाँ पे बनाना चाहता है तो ये न्यूज़ बहुत अच्छा आर्टिकल है आप मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ें और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आने वाली हैं तो इसी प्रकार की न्यूज़ यहाँ पर दी गई है जो यहाँ पर अवेलेबल है तो बेसिकली अब हम बात करते हैं जेनिक का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली एक्चुअली जैनिक एक रियल कॉइन है जो जैनिक की ब्लॉकचेन से मिंट होके आता है मिंट होके आता है कहने का मतलब ये है जो आपको यहाँ पर ये फिजिकल हब दिखता है ये आप इसको फिज़िकल भी परचेज़ कर सकते हैं ये डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई कॉइन जनरेट करके देता अगर आप बात करेंगे तो आज की डेट में अगर कोई जैनिक हब फिजिकल ले रहा है तो बेसिकली उसमें डेली आप बात करेंगे तो 1.2 पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री जैनिक कॉइन्स आपको डेली आपके वॉलेट में आते रहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स बीस से पच्चीस साल तक भले ही उसका रेट कुछ भी रहे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस हब की बात करेंगे ये जो आपको हब टैबलेट दिख रहा है बेसिकली एक मास्टर नोड है एक्सचेंज की तरह काम करता है ये हार्डवेयर वॉलेट की तरह काम करता है इसके बहुत सारे मल्टी जो यूज आप ये इसको फिजिकल भी ले सकते हैं आप इसकी वर्चुअल मतलब आप बात करेंगे तो आप मास्टर नोट भी ओन कर सकते हैं ये इसका प्रोडक्ट है दिस इज़ द थिंग जो ये आपको यहाँ पर मिलने वाला उसके बाद अब बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करें तो आगे क्या क्या मिलने वाला तो बेसिकली सबसे पहले आपको जैनिक एक्सचेंज मिलने वाला है जिसके दो फॉर्मेट होंगे एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट एक डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट का नाम है जैनिक स्वैप जो बेसिकली अभी इसी महीने के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में लाइव हो जाएगा और इस हफ्ते से आने वाले इवेंट तक 17 सितंबर तक आपको डेली न्यू न्यू अपडेट्स न्यू न्यू न्यूज़ेस आपको यहाँ पर रोज सुनने देखने को मिलेगी सैनिक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो स्वैप हो चाहे आपका सेंट्रलाइज बेस्ड हो आपका सबसे कम फीस ट्रांसफ़र फीस रहने वाला अपार्ट फ्रॉम डैट आपको वायर ट्रांसफर के लिए कोई फीस नहीं लगेगी आपको बेस्ट एक्सचेंज रेटेड मिलेंगे आप डायरेक्ट आप चाहेंगे तो फीएट मनी जमा कर सकते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके एक्सचेंज के अंदर होने वाली उसके बाद जैनिक का खुद का एक सिस्टम होगा जैनिक पे मतलब एक गेटवे है जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूँ रेजर पे पेटीएम पे और बहुत सारे ऐसे गेट हैं जैसे आई का आई का खुद का गेटवे। मतलब सपोज करो मेरी कोई वेबसाइट है मैं अपनी वेबसाइट पे पेमेंट लेना चाहता हूं लोगों से तो मुझे एक थर्ड पार्टी गेटवे लेना पड़ता है अगर मैं इंडियन मनी की बात करूँ तो रेजर पे लूँगा पेटीएम लूँगा फ़ोनपे कहीं से भी मैं गेट वे परचेज कर सकता हूँ बट अगर सोचो दुनिया के अंदर अगर लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो प्लस इन फॉर्म ऑफ फिएट तो उनको अलग अलग चीज़ों के लिए जाना पड़ेगा और उसी का सॉल्यूशन है जैनिक पे अगर आप बात करेंगे तो ठीक पी पेमेंट्स अलाउ करेगा ई e कॉमर्स के लिए पेमेंट्स अलाउ करेगा ए के ऊपर अवेलेबल मतलब ए पी आई इंस्टॉल्स हो जाएंगे तो बहुत बड़ी यूटिलिटी है जो कल की डेट में आपके लाइव होने वाली है जेनिक ऐप ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक ट्रस्ट वॉलेट की तरह डिसेंट्रलाइज वॉलेट है इसमें आप अपनी क्रिप्टोज रख सकते हैं इसके अंदर डैप्स ऑन हो जाएगा इसका सेकेंड वर्जन आ रहा है मतलब ये फुल फॉर्मेट में ऑन होने वाला है जहां पर अगर आप बात करेंगे तो फीएट ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल होंगे मतलब अगर आप डायरेक्ट चाहते होंगे कि आपकी कोई करेंसी क्रिप्टो किसी फिएट में ट्रांसफर हो जाए या एक्सचेंज हो जाए तो इट इज़ पॉसिबल ऑन जैनिक ऐप बाय द हेल्प ऑफ जैनिक स्वैप उसके बाद डायरेक्ट आप पॉस पेमेंट कर पाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही सिस्टम एक ही इको से बिलोंग करती है आपका स्मार्टफोन डायरेक्टली जो हब में मतलब सपोज करो आज मेरा जो बैक ऑफिस है उसके अंदर सपोज़ करो आज की डेट में कोई भी वैल्यू की कॉइन है जैसे अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास दस हज़ार डॉलर्स के मेरे पास जैनिक कॉइन्स हैं तो आपको आपके ऐप आप पर भी वो बैलेंस दिखेगा उसके बाद रियल टाइम क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स रियल टाइम फेड ट्रांजेक्शन्स ये इसकी अलग से यूटिलिटीज़ होने वाली हैं जो जैनिक ऐप आप पर आपको मिलने वाली है डिफाइड टोकनाइजेशन एसेट्स ये सारी चीज़ें आपको एक ही सिस्टम के अंदर मिलने वाली है जो आपको यहाँ पर जैनिक प्रोवाइड करने वाला है क्योंकि जैनिक एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो डेफ़िनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो न्यूज़ बताई आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं और ये अभी की न्यूज़ नहीं है कि आज ये न्यूज आ रही है ये न्यूज़ फिफ्थ ऑफ अक्टूबर 2021 की है और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस आपको आगे मिलती रहेगी पुरानी न्यूज़ इस कॉलम की आज कोई नई चीज़ नहीं कि अपना जैनिक ने रोड मैप चेंज कर दिया या कुछ चीज़ चेंज कर दी तो आपको ये सब देखने को ये सब पुराना ही यहाँ पर है अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर टोकनाइजेशन सोने अब आप सोचिए कल की डेट में अगर रियल में रियल स्टेट डिजिटल आर्ट प्रीशियस मेटल्स लाइक टिटेनियम प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर अगर आपके टोकनाइज़ होकर क्रिप्टो वर्ल्ड में मिलेंगे और वो जेनिक की ब्लॉकचेन पर होगा कोई कितना भी परचेज करे कोई कितना भी बेचे उसको अपनी ट्रांजैक्शन फीस उसी के नेटिव कॉइन में देनी पड़ेगी ये उसकी यूटिलिटी है ये उसकी कमाई है तो ये सारे चीज़ जैनिक के साथ होने वाला है उसके बाद जो जैनिक का पहला पार्टनर है अगर मैं बात करूँ जिन्होंने जैनिक की ब्लॉक के ऊपर अपना पहला प्रोजेक्ट दिया है वो एवीनॉक है एवीनॉक बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो एक एविएशन इंडस्ट्री का स्टार्टअप है और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत सारे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें लेकर आए हैं नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आए थे एविएशन में अगर किसी को टोकनाइजेशन कराना है ट विल दे विल गो फॉर एवीनॉक यह सारी चीजें एविनॉक प्रोवाइड कराने वाला है। और अगर इनके लाइव प्लेटफॉर्म की बात करूं यह भी पिछले अक्टूबर को इन्होंने किया था जो आपका पार्टनरशिप है जेनिक और एविनॉक की वो ग्लोबल सबमिट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हुई थी और पूरा का पूरा आपका एवीनॉक माइग्रेट की फाइनल स्थिति में है और बहुत जल्दी आपको इसकी डिटेल्स मिलने वाली तो दिस इज़ द थिंग जो आपको यहाँ पर जहरी है उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स एवीनॉक का खुद का एक प्लेटफॉर्म आ रहा है वो डॉट एरो वो वेबसाइट है फर्स्ट इन द वर्ल्ड है जहाँ पर अगर आप कल की डेट में अगर प्राइवेट जेट्स बुक करना है आपको कार्गोज बुक करना है आपको एम्बुलेंस बुक करना है तो जैसे आपको आज मुझे जबलपुर से दिल्ली जाना है मुझे फ़्लाइट की टिकट चाहिए तो मैं माय मै माई ट्रिप गोवाई बी बो या इंडो की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट टिकट बुक करूँगा मुझे टिकट तुरंत मिलेगा पर अगर आप सोचो अगर आज की डेट में आपको प्राइवेट जेट बुक करना हो आपको एम्बुलेंस बुक करना हो एयर एम्बुलेंस आपको कार्गो से बुक करनी हो तो आपको पॉसिबल है क्या नहीं ऑल आर एजेंट्स बेट्स बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है ऐसा नहीं कि वेबसाइट्स नहीं है पर आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे फिर वो वहाँ से अपना शेड्यूल बताएंगे, आपको कोटेशन देंगे फिर आप दोनों बारगेनिंग करेंगे फिर जब फाइनल होगा तब आप हाँ करोगे कि मुझे कोई फला प्राइवेट जेट चाहिए या एयर एम्बुलेंस चाहिए दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी सॉल्व बाय वू डॉट एरो आप डायरेक्टली आप प्राइवेट जेट्स सबसे पहले प्राइवेट जेट्स अवेलेबल तो होने हैं उसके बाद बाकी की सीरीज तो वो इज़ द फर्स्ट डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस फॉर प्राइवेट जेट ट्रेवल सर्च बुक मैनेज एंड पे फॉर योर प्राइवेट जेट्स फ्लाइट डायरेक्टली और ये अगर आप बात करेंगे तो ये भी अगले महीने ये पोर्टल लाइव होने जा रहा है आप अगर ब्रोकर हैं तो आप रजिस्टर हो चुके हैं आप अगर बाय ऑपरेटर हैं तो आप रजिस्टर हो सकते हैं अभी रजिस्ट्रेशन का सारा काम यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है तो जैसे ही ये लाइव होगा आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने मिलेगी उसके बाद जो इनका सेकेंड पार्टनर है अगर मैं बात करूं तो डेट इज टूपानूपान की अगर बात करूं तो बेसिकली एक प्लानेट सेविंग बेस्ड एक टोकन है जो कि यूएस से बिलोंग करता है प्लस द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल रीजनरेशन इज डिजिटल अगर आप बात करेंगे तो एक लौता ऐसा टोकन है जो यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल से वेरीफाइड है एक लौता ऐसा टोकन है जो यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल से वेरीफाइड है और ये पूरा का पूरा जैनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ रहा है जो यू के यूनाइटेड नेशन के सेवनटीन एस मतलब सस्टेनेबल गोल्स हैं उस पर डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर बेस्ड है आपका तूफान वहाँ से वेरीफाइड है एक फंड से रिलेट होता है फॉरेस्ट एयू ग्रीन एल एल सी नाम का ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट फंड है मतलब ये पहला दुनिया का लिवरेज टोकन है सपोज करो आज एक टुपान की वैल्यू अगर इतनी है तो उसकी बराबर वैल्यू का कंपनी बाकायदा लोन ले सकती है उससे लैंड परचेज कर सकती है ये इनका बिजनेस मॉड्यूल है जितना ज्यादा ये लैंड परचेज करेंगे उस पर फॉरेस्ट करेंगे इनको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगी और ये कार्बन क्रेडिट्स सी ओ टू सर्टिफिकेट्स के रूप में वर्ल्ड ट्रेडिंग मार्केट के अंदर जाएंगे और इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम डैट इनके पास मेडिसिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कॉस्मेटिक्स सर्विलेंस अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम डैट 67 प्लस पेटेंट्स रजिस्टर्ड करा रखे हैं जो इनके लिए मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम करेगी ये इसका सेकेंड प्रोडक्ट है अगेन एज अ मास्टर नोड आपको मिलता है अगेन इसके टोकन्स आपके मिंट होकर आपको मिल सकते हैं और अभी जो लास्ट वीक चल रहा है इसमें आपको रोज 101 टोकन पर डे के हिसाब से आपको यहां पर रिसीव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑन ऑन अगर आप का करना चाहते हैं तो ये मार्वल अपॉर्चुनिटी टाइम है क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो पंद्रह महीने मुझे हो चुके हैं जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें जैनिक कॉइन पचास कॉइन साठ कॉइन पर डे मिल रहा था हमें भी हंड्रेड का मौका नहीं मिला पर आप सोचिए एक रियल प्रोजेक्ट जो डेवलप है कहीं ना कहीं मार्केट में सस्टेन कर रहा है कल की डेट में एक अलग जगह पे पहुंच सकता है वो आपको हंड्रेड क्वाइंस पर डे वन हंड्रेड एंड वन क्वाइंस पर डे की पोजीशन में आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं और आप सोचिए आपके पास कितने टोकन्स होंगे और आपकी क्या वैल्यू होने वाली है ये मैं आपको बता भी देता हूँ यूनाइटेड स्टेट एक सेकेंड यूनाइटेड ये है हाँ आपका एस सी सी डॉट जी ओ वी डी स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग्स में जाइए कंपनी फाइलिंग सर्च के अंदर जाइए आपको इसका ये प्रोफाइल नंबर है सी के प्रोफाइल नंबर क्या लाता है ये है फॉरेस्ट ग्रीन इस फॉरेस्ट एयू ग्रीन एलएलसी फंड आप इसके बारे में डिटेल्स आप ख़ुद पढ़ सकते हैं वन सेकेंड आप पढ़ सकते हैं पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ फॉरेस्ट ए यू ग्रीन एल एल सी फंड इसके जो सी ए हैं वो ऑनर हैं ऑर्डरली फराली हैं अगर आप बात करेंगे तो यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जीरो जीरो वन सेवन नाइन जीरो टू टू सिक्स आप ये नोट कर सकते हैं फॉरेस्ट ग्रीन ए यू एल एल सी फंड का नाम है टू थाउजेंड नाइनटीन से रजिस्टर्ड है यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ए टू जेड्स आपको जो चाहिए आप चेक कर सकते हैं आप इश्यूअर देख सकते हैं सिग्नेचर देख सकते हैं नेम ऑफ साइनर देख सकते हैं टाइटल देख सकते हैं और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकते हैं बाईस दस दो हजार उन्नीस तो दिस इज द थिंग आप अगर बात करेंगे तो इकलौता ऐसा टोकन है पूरे वर्ल्ड में जो यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल से वेरीफाइड है प्लस दिस वेरीफाइड टोकन इज गोइंग टू बी माइग्रेटेड टू जैनिक स्मार्ट चेन तो आप समझ सकते हैं वट इज दिस एंड वट इज बिग गोइंग टू कम बाय दिस और इसका जो मैं आपको अपडेट बता रहा था वन सेकेंड तो कल की डेट में आपको जैसे आज की डेट में आपके पास ई आर सी ट्वेंटी है बी पी ट्वेंटी है आपको तो ऐसी हमारी ब्लॉक चेन का जेड आर सी ट्वेंटी या जेन ट्वेंटी कोई भी नाम होगा और उस ब्लॉक चेन के ऊपर आपको यूएसडी टी अवेलेबल होगा हमारे नेटवर्क के फॉर्मेट में क्योंकि वी आर ऑन स्मार्ट चेन तो बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली है आपको यूएसडी मिलेगा आपको इथेरियम मिलेगा आपको सोलाना मिलेगा और वर्ल्ड में जो पहले से भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल आर गोइंग टू बी ऑन आवर ब्लॉक क्योंकि हमारी ब्लॉक के ऊपर जो ट्रांजेक्शन फीस है वो जीरो पॉइंट जीरो वन फिक्स वन सेकेंड फर्स्ट ग्रीन कॉइन इन प्लेनेट अगर आप बात करेंगे तो उस हिसाब से अपने आप को ये प्रमोट कर रहे हैं और आप अब देखिए तूफान इज वर्किंग डिफरेंटली अगर आप बात करेंगे तो तूफान अलग प्रमोट कर रहा है एविनॉक अलग प्रमोट कर रहा है तो जैनिक ब्लॉक चेन के ऊपर कल की डेट में इसी प्रकार के रियल कॉन्सेप्ट रियल वर्क आपको देखने को मिलेंगे टोकनाइजेशन का पहला स्टेप थर्टींथ ऑफ नवंबर को टोकनाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है डेट इज आल्सो इन अरमानी होटल एट बुर्ज खलीफा जहां पर 300 हंड्रेड डेलीगेट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आएंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन और पहला टोकनाइजेशन का प्रोडक्ट हमें को देखने को मिल सकता है तो दिस इज द थिंग जो आने वाले समय में मतलब कहते हैं ना कि अब लोगों को क्या है क्रिप्टो के अंदर बड़ा सामंजस ये है कि आज ही लगाया और कल ही खाना नहीं साहब आपको पेड़ लगाना पड़ेगा फिर वो बड़ा होगा फूल आएंगे फिर आपका जब फल आएगा तब आपको तो वो समय अब आपको जैनिक के अंदर अभी जो इस सेकेंड हाफ़ में मतलब कि जो सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा अगस्त से एंड से वो आपको आने वाले दिसंबर तक आपको इतनी अपडेट्स इतने सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया तो दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन उसके बाद दिसंबर थर्ड ऑफ दिसंबर से आपका साफिर ग्लोबल सममेट 2022 होने वाला है जो अगेन फाइव डेज का होने वाला और वहां पर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट बहुत सारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप बात करेंगे तो 2000 से 5000 लोगों का प्रोग्राम हो सकता है वो और आने वाले समय में क्या जैनिक करने वाला है ये सारी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी तो इट्स अ रियल कॉन्सेप्ट इट्स रियल ब्लॉक टेक्नोलॉजी और कल की डेट पर आज अगर बात करें तो जैसे आज एक बिनेंस पूरा इकोसिस्टम है जहां पर जहाँ पर आपको सारी चीज़ें उनकी खुद को देखने मिलती है आपको उनको एक्सचेंज मिलता है उनका स्वैप मिलता है आपका वॉलेट मिलता है उनके ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर लाखों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और जितना ज़्यादा उनका ब्लॉक यूज़ हो रहा है उतने ज़्यादा उनके लिए वो ट्रांजेक्शन फीस में सेम नेटिव कॉइन उनके लिए जनरेट करके देता है जो उनका फ्यूल होता है इज गैस फ्यूल तो ये सारी चीज़ें आपको जैनिक के प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगी पर ऐसा नहीं है कि आज ही देखने को मिल जाएगा या आपको कल ही देखने को मिल जाएगा इट्स डेवलपमेंट टाइम वी आर ग्रोइंग वी आर एक्सपेंडिंग जब हम उस पोजीशन पे होंगे तो डेफिनेटली आप और हम यहाँ पर और क्रिप्टो जो गेम है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का गेम है पेशेंस का गेम है अगर आप इस सिस्टम में रियल में अर्न करना चाहते हैं और रियल में आप इसको समझना चाहते हैं तो आप चीज़ों को समझें नॉट टू फम्बल आउट अगर आप बात करते हैं तो कई लोगों को ये लगता है जैसे जैनिक की वेबसाइट पे अगर ये हम चलें तो सबसे पहले यहाँ पर लोगों को ये दिखता है कि ये दो टोकन है हमने टोकन से ही स्टार्ट किया वी आर स्टार्टेड क्योंकि एक बात बताइए जब हमारी ब्लॉकचेन है हमारी ब्लॉकचेन कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है सिंपल सी बात है कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाता हूँ क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज सपोज को एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ मैंने अपने घर पर एक फैक्ट्री छोटी सी फैक्ट्री खोली मसाले की कोई भी फला मसाले का नाम है कुछ भी नाम दे देते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए उसको मार्केटिंग करूँ तो भाई वो मैं जाके रिलायंस के रिलायंस फ्रेश पे भी रखूँगा बिग बाज़ार पे भी जाके रखूंगा रखूँगा लोगों के किराने की दुकान पे भी रखूँगा जब वो बिकने लगेगा तब एक बड़ी सी दुकान या बड़ा सा आउटलेट मैं खुद खोल सकता हूँ दैट इज़ द वे तो आपको पहले अपना मार्केट बनाने के लिए किसी मार्केट प्लेस का सहारा तो लेना पड़ेगा तो डेट इज वाई अगर आप बात करते हैं तो लोगों को एक्सेसिबल कैसा हो आपको इजी कैसा हो वी हैव स्टार्टेड विथ टोकन ना हमारा खुद का कॉइन है जो ला टोकन एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसके बाद जैसे ही इसका स्मार्ट चेन लाइव होता है तो आपको खुद का स्मार्ट चेन का जो रियल कॉइन है वो आपको बहुत सारी जगह लिस्ट होता दिखेगा कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट होता दिखेगा लेकिन ये सारी अपडेट्स कंपनीज की तरफ से ही आने हैं और आपको जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वैसे वैसे आपको अपडेट्स आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम चैनल से आपको अपने खुद के डैशबोर्ड से बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट्स होती जाएंगी तो आज के बस सेशन में बस इतना ही आने वाला समय जो जैनिक के साथ है मैं रियल बता रहा हूँ आप अगर इसको टेक्निकली देखेंगे इट इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट आई अगर आप बात करते हैं तो आज की डेट में जरूर आपको अर्निंग के मामले में स्लो लगता होगा लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म गेन में देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में इसका कोई मुकाबला नहीं होगा और आप कल की डेट में ऐसी पोजिशन पर अगर आप सोचेंगे कि मैं कल इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँ आपको वो मौका नहीं मिलेगा ये राइट समय अगर आप बात कर रहे हैं तो तूफान आपको आज से पंद्रह महीने सोलह महीने पहले जो लोगों को एंट्री मिली थी वो एंट्री अगेन आपको मिल सकती है आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं वन हंड्रेड एंड वन क्वाइंस पर डे एक सौ एक टू पान टोकन्स पर डे आप अगर इसी हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो तो आपको तीन हज़ार पर मंथ आने हैं और छत्तीस हज़ार आप पूरे साल के तीस हज़ार भी मानते हैं और अगले साल पंद्रह हज़ार मानते हैं मैं तीन साल में अगर मैं मान लूँ मोटा मोटा मेरे पास अगर पचास हज़ार पचास हजार साठ हजार कॉइन होते हैं या टोकन होते हैं तूफान के और कल की डेट में मैं ज़्यादा रेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ आप आधा डॉलर की बात करें तीन साल के अंदर तो आप सोचो आपका जो एक इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितने टाइम ग्रो कर सकता है हाउ मैनी टाइम इट कैन ग्रोस बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ हैंकी पैंकी कि आपको बता दिया कोई कोई आर वाई सिस्टम है कोई है कि कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहे हैं कंपनी के पास हैं कल कंपनी बेच देगी नॉट लाइक दिक्स यहाँ पर जो रियल होल्डर्स हैं अगर आप बात करेंगे जो रियल ऑनर्स हैं वो हब होल्डर्स हैं मास्टर नोट होल्डर्स हैं जिनके पास से तूफान टोकन्स या जैनिक कॉइन माइन हो रहे हैं जब तक वो ले जाके आपके एक्सचेंज के ऊपर नहीं डालेंगे बेचेंगे नहीं तब तक आपका सिस्टम के अंदर सेम एज द माइनर्स ऑफ इथेरियम सेम एज द माइनर्स ऑफ बी सबसे पहले ऑनर आपके माइनर्स ही हैं जब वो ले जाके एक्सचेंज में अपना कॉइन डिसोल्व करते हैं तब वो आप और हमारे लिए अवेलेबल रहता है तो दिस इज द वे जैनिक इज वर्किंग तो आप इसको वर्कआउट करो आप इसको सर्च आउट करो डू योर ओन रिसर्च आप होल्ड करो जैनिक प्लस अभी मौका है तूफान के साथ एंटर होने का तो जल्द से जल्द एंटर करिए और इस सिस्टम में आप बहुत सारा अर्न कर सकते हैं और बहुत सारा लर्न भी कर सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा इसी शुभकामनाओं के साथ आज का एक सेशन में ही पे एंड करता हूँ थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे अ गुड डे फिर मिलते हैं